जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। दोस्तों, कावेरी इंजन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इनफैक्ट 1980 के दशक में जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि ये वो इंजन होगा जो आने वाले भविष्य में हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सबसे प्रमुख था। लेकिन बीतते समय के साथ इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारे उतार चढ़ावों को देखा और 2008 में ऑफिशियली इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से तेजस से बाहर कर दिया गया, क्योंकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये इंजन 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा जो कि तेजस के लिए सफिशियंट होगा। लेकिन बाद में तेजस की रिक्वायरमेंट चेंज होती है और ये इंजन तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है। एक समय तो लोग ये भी मानने लगे थे कि शायद कावेरी इंजन अब इतिहास बन के रह जाएगा, ये कभी हमें अपने एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीतते समय के साथ अब चीजें बदल रही हैं। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त किए हैं उसने जीटीआरई के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा उत्साहित किया है। और अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो कावेरी इंजन के एक अपग्रेडेड कोर पे काम कर रहे हैं, जिसके आने के बाद ये इंजन उतना थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ तेजस मार्क 1A में किया जाएगा, बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि एक अपग्रेडेड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जो कि तकरीबन 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और उसका इस्तेमाल हमारे जो फ्यूचर फाइटर जेट्स हैं उनमें भी किया जाएगा। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में पूरी बात को समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत और अमेरिका साथ में मिलकर के F414 इंजन का निर्माण करने वाले हैं और उसके लिए TOT को जो अप्रूवल है वो भी मिल चुका है, तो वहीं भारत का जो ध्यान है वो अभी भी कावेरी इंजन से हटा नहीं है। एक तरफ जहां जो नया इंजन है वो तेजस मार्क 2 को पावर करेगा, TBF को पावर करेगा, AMCA फाइटर जेट को पावर करेगा, इसके बावजूद भी जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। और GTRE के वैज्ञानिकों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि उनके द्वारा आगे के जो रोड मैप हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो कावेरी इंजन है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ाया जाएगा और वो पूरी तरीके से कमिटेड है इस प्रोग्राम को लेकर के। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कावेरी इंजन में शुरुआती दौर पे कुछ दिक्कतें थी जो धीरे धीरे रिजॉल्व कर ली गई हैं। जैसे कि हालिया अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो उसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कोर सेक्शन था कावेरी इंजन का वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था और हमें अप्रत्याशित रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यानी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अच्छा ये जो कावेरी ड्राई इंजन है उसने परफॉर्म किया है। रिपोर्ट्स भी क्लेम करती हैं कि रशिया में जो टेस्ट आयोजित किए गए थे वहाँ पर इस इंजन ने 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट किया था। हालांकि जब प्रोडक्शन वेरिएंट इसका आएगा तो उसको 46 किलोन्यूटन पर ट्यून कर दिया जाएगा और आने वाले समय में ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल बेसिकली भारत के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV प्रोग्राम में किया जाएगा। हालांकि GTRE के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो इस समय इस इंजन को और भी ज़्यादा अपग्रेड दे रहे हैं ताकि इनका इस्तेमाल तेजस के जो इम्प्रूव वेरिएंट्स हैं उनमें किया जा सके। अगर हम ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो अगर इस मौजूदा इंजन को हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ कपल भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये जो इंजन है ये 73 से 76 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक जो हमारा कावेरी इंजन है इसको फ्रेंच M88 इंजन के लीक का ही मानते हैं और कहा जा रहा है कि माइनर अपग्रेड्स के बाद इसका जो थ्रस्ट है वो और भी इंक्रीज किया जा सकता है। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके इंटेंशन क्लियर है, वो इस समय एक इम्प्रूव कोर पर काम कर रहे हैं जो कि कावेरी इंजन के लिए बनाया जा रहा है, जो कि हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकेगा। और उनका ये मानना है कि जिस नए कोर पर वो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 55 से लेकर के 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और आफ्टर बर्नर सेक्शन मॉड्यूल के लगने के बाद वो इसी कोर के साथ हम 85 से लेकर के 90 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे, जो कि तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट के लिए सफिशियंट है। और माना जा रहा है कि GTRE के वैज्ञानिकों ने यह ठान लिया है कि वो F404 इंजन को रिप्लेस करके ही रहेंगे तेजस प्रोग्राम से, और उनका जिस प्रकार का इंटेंशन दिख रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हमें आने वाले 6 से 7 वर्षों में कावेरी इंजन में कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल जाए, GTRE इस चीज़ को भी लेकर के इच्छुक है कि जो कावेरी ड्राई इंजन है इसको लगातार हम इम्प्रूव करते रहेंगे और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनसे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लिया जा सकेगा। हालांकि
गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो एडिशनल फंड्स हैं उनकी डिमांड करी है। और ये जो रिक्वेस्ट करी गई है जीटीआरई के वैज्ञानिकों के द्वारा, ये इसलिए की गई है कि जिस प्रकार की सफलताएं उनको प्राप्त हो रही हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसमें वो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद जीटीआरई से कहा है कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, जितना भी सहयोग होगा वो करा जाएगा। सबसे पहले ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल हमारे यूकैप यानी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे के जो इम्प्रूव वेरिएंट हैं वो तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट में तो ये भी कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले जीटीआरई को अपना जो ध्यान है वो ड्राई कावेरी इंजन पे केंद्रित करने के लिए कहा है, और जैसे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो तुरंत जीटीआरई को आगे बढ़ने का जो निर्देश है वो दिया गया है। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन का जो लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और तकरीबन 4 इंजन 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल फर्दर टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। जीटीआरई ऑफिशियल्स ये क्लेम करते हैं कि जो टेस्टिंग फेजेस के तुरंत बाद जो सर्टिफिकेशन है वो इंजन को मिल जाएगा, और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो यूकैप प्रोग्राम है उनमें होना शुरू हो जाएगा। इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट गोदरेज एरोस्पेस के साथ मिलकर के जो 8 मॉड्यूल हैं ड्राई कावेरी इंजन के वो तैयार कर रहे हैं, और अगले 5 वर्षों में इसको और भी ज़्यादा रिफाइन करके प्रोडक्शन रेडी बना दिया जाएगा। जीटीआरई के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी ये 76 किलोटन का ही थ्रस्ट जनरेट करेगा। लेकिन इस समय जीटीआरई का प्लान ये है कि इस इंजन को इतना ज़्यादा रिफाइन करना है कि इससे तकरीबन 60 से लेकर के 75 किलोमीटर का ड्राई थ्रस्ट जनरेट किया जाएगा, और जो आफ्टर बर्नर के बाद मैक्सिमम थ्रस्ट होगा वो 120 किलोमीटर का होगा। यानी हो सकता है कि यहाँ पर जीटीआरई कावेरी के हमें कुछ इन्हेंस वेरिएंट भी देखने को मिले, क्योंकि जिस प्रकार जीटीआरई के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, उनका आत्मविश्वास देकर के हमको भी ये लगता है कि बहुत जल्दी हमें कावेरी इंजन में कुछ अच्छी अपडेट सुनने को मिलने वाली है। इस समय जीटीआरई ऐसे फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ देख रही है जो कि कावेरी इंजन के कोर को इम्प्रूव करने में मदद कर सके, ताकि मौजूदा इंजन से तकरीबन 5-6 किलोन्यूटन का जो एडिशनल थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जा सके। हालांकि ये इम्प्रूवमेंट स्मॉल होगी, लेकिन इसके जो कह सकते हैं रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। इसी इंजन का इस्तेमाल फिलहाल तो यूकैप प्रोग्राम में और जो इंडियन नेवी के लिए हेल क्लास का डेक बेस्ड अनमैन फाइटर बॉम्बर बनाया जा रहा है उसमें किया जाएगा। वहीं घातक में भी कहा जा रहा है कि इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप लोग ये सोचेंगे कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत तो 1980 के दशक में हुई थी, तो क्या अब ये इंजन हमारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजी या फ्यूचर के एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट होंगे? तो आइए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए जो एरो इंजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस समय कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जो जेट इंजन का निर्माण कर सके हैं। भारत भी काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में है, और सही मायने में डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होगी जब हम जेट इंजन को सक्सेसफुली बना लेंगे और इनका इस्तेमाल हमारे द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जिसको डेवलप करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो मेटलर्जिकल चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खासकर अगर हम बात करें तो जो एक्सट्रीमली हाई रोटेशन पे टर्बाइन ब्लेड्स मूव करती हैं, उनके बाद जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जनरेट होता है उसको विथस्टैंड करने के लिए जो कोर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और यहीं पे हमारे जो एलॉयज़ हैं इनकी रिलायबिलिटी का असली टेस्ट भी होता है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1989 में हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में किया जाएगा। उस समय की जो गणना थी उसके हिसाब से इस इंजन को तेजस के लिए सफिशिएंट माना गया था, लेकिन बाद में तेजस में बदलाव किए जाते हैं और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। उस समय ये आंका गया था कि कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ तकरीबन 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि तेजस के लिए पर्याप्त है। लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट चेंज होती है और माना जाता है कि कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है वो तेजस के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि पहली बार भारत में इस प्रकार का इंजन बनाया जा रहा था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, फिर भी जीटीआरई के वैज्ञानिकों के द्वारा अथक प्रयास और मेहनत करी गई और कावेरी इंजन को बनाया गया।
हालांकि भले ही तेजस प्रोग्राम से इसको 2008 में डीलिंक कर दिया गया हो और 2014 में पूरी तरीके से हटा दिया गया हो, लेकिन फिर भी GTRE के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ उल्लेखनीय जो डेवलपमेंट है वो किए थे। कैक की रिपोर्ट 2011 में कहती है कि तकरीबन 642% के कॉस्ट ओवर रन और 13 वर्ष के डिले के बावजूद कावेरी इंजन बनके तैयार नहीं हो पाया, लेकिन उसके पीछे की उन्होंने जो वजह बताई वो भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल और दूसरी फैसिलिटीज़ का ना होना था, क्योंकि कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए हमें बार बार इसे रशिया लेकर जाना पड़ता था जो कि टाइम कंज्यूमिंग और उसकी वजह से जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती थी। हालांकि GTRE के वैज्ञानिकों ने तकरीबन इस कावेरी इंजन के 9 फुल प्रोटोटाइप और 4 कोर इंजन बनाए और तकरीबन 3,217 घंटों की जो टेस्टिंग है वो इस इंजन की करी गई। हालांकि फिलहाल तो ये जो प्रोग्राम है ये लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन GTRE के वैज्ञानिक इसमें हार मानने का एकदम भी इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज नहीं तो कल हम कावेरी इंजन को विकसित जरूर कर लेंगे। हालांकि अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना भी इस समय कावेरी इंजन के सपोर्ट में है और हमारे डिफेंस एनालिस्ट यही कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनना तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम कावेरी इंजन के विकास पर ध्यान दें ताकि आने वाले समय में हमें किसी दूसरे देश की तरफ इंजन के लिए मुँह ना ताकना पड़े, क्योंकि हम सब जानते हैं एम का हमारा अंतिम प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद जो हमारे 6th-gen फाइटर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे और ऐसे में अगर हमारे पास स्वदेशी इंजन होता है तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।